Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to study the topic types of motion and are going to discuss the terms motion and rest in today's lecture. So let's start it. Kinematics, the branch of mechanics in which we deal with the motion without discussing its causes. अब यहाँ पर question हमारे पास raise होता है that what is mechanics. Mechanics is a branch of physics which deals with the motion and its effects. अच्छा mechanics जो है वो आगे दो branches के अंदर further divide होती है. एक जो है वो है kinematics and the second one is dynamics. अभी हमने यहाँ पर study करनी है kinematics. इसकी definition में एक दफ़ा again repeat कर रही हूँ. The branch of mechanics in which we deal with the motion without discussing its causes. अब let's see what is motion and rest. सबसे पहले देखते हैं that what is rest. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. एक body उस वे rest पे होती है जब अपने surroundings के respect से अपनी position जो है वो change ना करे. अब हम यहाँ पर एक term use हुआ है surroundings. ये भी मैं आपको आगे एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ दैट व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सराउंडिंग्स. अब देखते हैं मोशन की डेफिनेशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. मोशन जो है वो अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट से अपनी पोजिशन जो है अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करता है जबकि रेस्ट जो है वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता. अब रिमेंबर वन थिंग हेयर. The word surrounding is the most important factor here. It is also known as the reference point. So word surrounding के बगैर ये दोनों definitions हम नहीं कह सकते कि हमने completely describe की हैं या completely define की हैं. जब तक हम यहाँ पर word surroundings नहीं use करेंगे हमारी दोनों definitions complete नहीं होंगी. तो word surroundings जो हैं वो यहाँ पर एक बहुत ही important factor. अच्छा अब हम इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो डिस्कस करते हैं. इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम सराउंडिंग से हमारा क्या मतलब है. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सराउंडिंग. अगर हम सपोज करते हैं एक बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑन द रोड तो आपके वहाँ जो ट्रीज़ होंगे और जो वहाँ ऑब्ज़र्वर्स होंगे वो आपकी वहाँ पर सराउंडिंग्स होंगे. और जब आप बस के अंदर बैठे होते हैं तो आपके साथ जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं अकॉर्डिंग टू यू आपका जो साथ पैसेंजर बैठा है वो एक रेस्ट में है. वो वहाँ पर कोई हरकत नहीं कर रहा वो एक जगह बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में है अकॉर्डिंग टू यू. और इसी तरह उस पैसेंजर के अकॉर्डिंगली आप जो हैं वो भी एक रेस्ट के अंदर होंगे ना कि मोशन में क्योंकि आप एक जगह बैठे हुए हैं और कोई भी हरकत नहीं कर रहे हैं तो आप भी उसके अकॉर्डिंगली रेस्ट में होंगे. जबकि बाहर से देखने वाला कोई शख्स जो कि बस के अंदर नहीं बैठा हुआ बाहर से जो कोई इंसान अगर देखेगा तो वो यही कहेगा कि दैट आप दोनों जो हैं वो मोशन के अंदर हैं क्योंकि आप दोनों जो हैं वो मूव कर रहे हैं. सो ये होगी सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली आप रेस्ट में होंगे या फिर मोशन में. इसकी यहाँ पर दूसरी एग्जांपल जो हम देख लेते हैं अर्थ की. ऑल ऑफ यू नो दिस दैट द अर्थ इज़ इन रोटेटरी मोशन and it completes a circular motion around the sun. Earth जो है वो अपना rotatory motion complete करती है और उसके साथ साथ sun के around circular motion भी complete करती है. अगर हम जैसे earth के अंदर हैं तो according to us we are in rest. हम earth के अंदर हैं तो हमारे accordingly हम rest में हैं. जबकि अगर कोई इंसान space में जाए तो उसके accordingly हम क्या हैं हम मोशन में है. तो ये होगी हमारी सराउंडिंग्स. अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं. ये एग्जांपल्स हैं मोशन की. व्हेन अ मूविंग कार चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज ऑन द साइड ऑफ द रोड द कार इज सेड टू बी इन मोशन. जब आप एक चलती हुई गाड़ी में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं तो जो आपके ट्रीज़ वहाँ पर साइड पे रोड के साइड पे जो ट्रीज़ होंगे वो आपकी सराउंडिंग्स हैं तो उनके अकॉर्डिंगली आप जो हैं वो क्या हैं मोशन में हैं. इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं.
A flying bird is said to be in motion as it changes its position with respect to stationary objects such as trees. एक उड़ता हुआ जो बर्ड है वो भी मोशन में होगा अगर वो अपनी जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनके मुताबिक वो उड़ रहा है तो वो क्या है, एक मोशन में. ऊपर जो यहाँ लाइन लिखी हुई है, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी आर रिलेटिव टू ईच अदर. तो ये अभी आपको इन एग्जांपल समझ आ गया होगा कि जो रेस्ट है और मोशन जो है वो एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है. अब वो आपके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वो अर्थ के लिए एग्जांपल या फिर बस वाली एग्जांपल. मैं बस वाली एग्जांपल एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ. अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हैं तो अकॉर्डिंग टू यू यू आर इन रेस्ट. आपके साथ जो पैसेंजर बैठा होगा बस के अंदर, जो आपके साथ इंसान बैठा होगा, उसके अकॉर्डिंगली भी आप रेस्ट में हैं और आपके अकॉर्डिंगली जो आपके साथ पैसेंजर बैठा हुआ है वो भी रेस्ट में होगा. जबकि कोई शख्स, कोई इंसान अगर बाहर से देखे जो कि बस के अंदर नहीं बैठा हुआ, बाहर से देखे तो उसके अकॉर्डिंगली आप दोनों जो हैं वो मोशन में हैं, ना कि रेस्ट में. तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफ मोशन. अभी जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी वो थी ऑफ मोशन. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट. फर्स्ट एग्जांपल रीड कर रही हूँ. अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन अनटिल इट इज़ disturbed, so it is in the state of rest. एक टेबल के ऊपर अगर बुक पड़ी हुई है तो वो अपनी पोजिशन जो है वो चेंज नहीं करे जब तक कि हम आकर उस बुक को उठाएंगे नहीं या हिलाएंगे नहीं, तो वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रही है. सो हम ये कह सकते हैं कि जो बुक है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. अ बेंच इन अ पार्क फिक्स्ड अंडर अ ट्री विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन, सो इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. एक पार्क के अंदर जो बेंच होती है वो एक फिक्स ट्री के नीचे फिक्स है, तो वो भी अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं कर रही, वो भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रही है, तो वो भी किस स्टेट में होगी, रेस्ट के स्टेट में होगी. तो ये थी हमारी दोनों एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट. इसके अलावा अभी मैंने आपको सराउंडिंग जैसे एक्सप्लेन किया है, तो सराउंडिंग की जो डेफिनेशन बन रही है, द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म सराउंडिंग, मैं भी वो बोलने लगी हूँ. Surroundings are the places in the neighborhood where various objects are present. तो हमारे surrounding में कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई trees हैं, जैसे a bird है तो उसके लिए stationary objects इर्द गिर्द वो सारे क्या होंगे, उसकी surroundings. अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या study किया. सबसे पहले हमने kinematics की definition पढ़ी थी, उसके अंदर हमने term एक स्टडी किया था मैकेनिक्स, जो कि हमने पढ़ा था कि फिज़िक्स की एक ब्रांच है. उसके बाद हमने देखा था कि मैकेनिक्स के आगे दो फर्दर ब्रांचेज हैं, एक थी काइनेमेटिक्स और दूसरी थी डायनेमिक्स. जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच थी उसकी काइनेमेटिक्स, उसको भी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. उसके बाद हमने यहाँ पर दो टर्म स्टडी की हैं, रेस्ट और मोशन. अब मोशन जो रेस्ट था, अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. और मोशन था हमारे पास, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. एग्जांपल हमने इसकी स्टडी की थी एक बस की, कि अगर एक पैसेंजर बस के अंदर, मूविंग बस के अंदर बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में है, बिकॉज ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स इन द बस. But to an observer outside the passengers inside the bus are in motion, which shows that the motion and rest are relative to each other. अभी तक हमने study ये किया था. अब जो हमने study करना है वो है types of motion. Motion की 3 types होती हैं, translatory motion, vibratory motion and rotatory motion. Translatory motion के आगे further 3 types हैं, they are linear motion, random motion and सर्कुलर मोशन. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन. इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन. दिस लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व. ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर एक बॉडी जो है वो एक लाइन के ऊपर मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन. अब वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है, उसके ऊपर कार मूव कर रही है, तो वो क्या
कर रही है ट्रांसलेटरी मोशन। इसके अलावा अगर हम देखें वो जो बच्चों का होता है, जो अगर हम ट्रेन सेट्स बच्चों का लेते हैं तो वैसे राउंड से उनका ट्रैक बना होता है, तो उस ट्रेन ट्रैक के ऊपर ट्रेन जो होती है वो मूव कर रही होती है, तो वो भी जो है क्योंकि वो लाइन कर्व्ड लाइन है और उसके ऊपर ऊपर वो ट्रेन मूव कर रही है, तो वो भी हम क्या कहेंगे कि दैट इट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। फर्स्टली लीनियर मोशन। इफ़ अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या था कि अगर एक बॉडी एक लाइन में मूव कर रही है विदाउट एनी रोटेशन तो वो होगी ट्रांसलेटरी मोशन, और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है। लेकिन लीनियर मोशन में क्या है कि वो जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगी, तो वो मोशन क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। एक एरोप्लेन जो है वो जब स्ट्रेटली मूव कर रहा होता है तो उसको क्या कह देंगे, लीनियर मोशन। इसी तरह भी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, एक स्ट्रेट रोड पे अगर कार मूव कर रही है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। सेकेंडली हम देख लेते हैं सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि अगर हमने एक रस्सी के साथ, रस्सी के एंड पे हमने एक स्टोन को बांधा हुआ है और हम उस रस्सी को अपने हाथों से घुमा रहे हैं, तो वो एक सर्कुलर पाथ, एक ही पाथ के अराउंड वो मूव करता रहेगा, हमारे हाथ हम उसको घुमाते रहेंगे, तो वो क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन। इसकी फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ सन के अराउंड अपना सर्कुलर मोशन कम्प्लीट करती है, एक ही पाथ के ऊपर मूव करती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। तो ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। थर्डली आ जाते हैं हम ऑन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है, द इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ये एक इरेगुलर सा मोशन होता है, जैसे लीनियर मोशन के अंदर हमें पता था कि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। सर्कुलर में था कि एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगी, तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन जो है वो एक इरेगुलर सा मोशन है, मतलब इरेगुलर और डिसऑर्डर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी जो एक फेमस एग्जांपल है जो अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाती है, द ब्राउनियन मोशन ऑफ अ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ ज़िगज़ैग पाथ। इसके अलावा हम कर सकते हैं द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर, वो उनकी मोशन भी रैंडम होती है, कोई एक फिक्स्ड उनका पाथ नहीं होता, वो भी इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी रैंडम मोशन होगा। सेकेंडली हम आ जाते हैं ऑन वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अगर आप कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, मतलब एक ही मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। इसके एग्जांपल्स मोशन ऑफ अ पेंडुलम। एक पेंडुलम को भी अगर आप देखें तो वो एक जगह पे फिक्स होता है और ऐसे साइड पे, उसके साइड्स पे मूव कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं मोशन ऑफ सीसो। सीसो जो होता है वो भी आप देखते हैं सेंटर से जो होता है वो फिक्स होता है और एक साइड पे मूव होता है, बेंड होता है, फिर दूसरी साइड पे बेंड होता है, तो वो मूव कर रहा होता है लेकिन सेंटर से जो है वो फिक्स्ड होता है, तो ये भी हम कह सकते हैं इट इज़ अ वाइब्रेटरी मोशन। थर्डली हम देखते हैं, थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन की क्या डेफिनेशन है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर एक बॉडी अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन में था कि वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एक बॉडी जो है अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर एक बॉडी अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं मोशन ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील भी एक फिक्स होता है सेंटर से, उसको हम मूव करते हैं, वो उसके ऊपर ही स्पिन कर रहा होता है ऑन इट्स एक्सेस।
इसके अलावा हमारे पास एक फेमस एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सेस. अर्थ भी अपना एक स्पिन करती है अपने एक्सेस पे, ठीक है, तो वो भी क्या परफॉर्म कर रही है, रोटेटरी मोशन. तो ये होंगी हमारी टाइप्स. ट्रांसलेटरी मोशन था द स्ट्रेट लाइन मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन था अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में भी कर्व और स्ट्रेट. इसके अलावा लीनियर मोशन, उसकी जो फर्दर टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन. लीनियर मोशन था द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी. रैंडम मोशन था द इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सर्कुलर मोशन था द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन. ये थी ट्रांसलेटरी मोशन की आगे फर्दर टाइप्स. अब वाइब्रेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन. रोटेटरी मोशन क्या है हमारे पास, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सेस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. थैंक यू.